वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है। ये सैलरी मेंशन एज पर पोस्ट मिनिमम 40,000 स्टार्ट है और मैक्सिमम 17,000 इनिशियली। एनी पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट परमानेंट पोस्ट है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के, तो फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर कंट्रोल में। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट करें उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट एल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट टेस्ट यूर इन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल और टर्म्स एंड कंडीशन मीट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि उन्हें ऐसी टाइप के इन्फॉर्मेशन साल भर के इंतजार करते हैं, जैसे यार ये खास करके परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करिएगा और प्यारे से लाइक एंड कमेंट करके एनकरेज करते रहिएगा। ओके चलते सब्जेक्ट में। अच्छा पहले हम डिस्कस करेंगे ये नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, स्केल ऑफ पोस्ट, स्केल ऑफ पे, एडुकेशन पब्लिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये अपना अपना आप देख लीजिए जगह सब्जेक्ट मुताबिक। और NIELIT सेंटर वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट, जहाँ पे वैकेंसी एग्जिस्ट हुआ। और अपर एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस, ये क्या रहेगा ये इसी के बारे में मैं आप लोगों को ये देखिएगा। 15 तक है। ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये टोटल 02 पोस्ट है। 7 CPC लेवल 02 19,900 से लेके 63,200। और इसके BSc BCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क और ग्रेजुएट्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क्स हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड NIELIT ओ लेवल सर्टिफिकेट कोर्स और ये बाकी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा 3 ईयर्स फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये वैकेंसी पोस्ट अगरतला 2 है अनरिजर्व अप टू 27 ईयर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्ट टाइप। उसके बाद सीरियल नंबर 14 टेक्निकल असिस्टेंट टोटल 07 अनरिजर्व 05 EWS1 और ESC1 ये 7 CPC लेवल 4 25,500 से लेके 81,100 और बैचलर डिग्री इन साइंस BCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क इन द रिलेवेंट फील्ड फर्स्ट क्लास डिप्लोमा 3 ईयर्स फुल टाइम इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और PSU अच्छा ऑटोनोमस बॉडीज इंडस्ट्री ऑफ रिपोर्टिंग 1 ईयर फॉर ए और 2 ईयर फॉर बी। अच्छा ये देखिएगा ये वैकेंसी इम्फॉल के लिए 1 अनरिजर्व, JNK के लिए 1 अनरिजर्व, गोरखपुर के लिए 1 SC, चेन्नई के लिए 2 अनरिजर्व, औरंगाबाद के लिए 1 EWS 1 अनरिजर्व। ये 27 ईयर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव और इसमें 13 नंबर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट टोटल 1 अनरिजर्व 1 रिजर्व फॉर द PWBD और 7 CPC लेवल 6 35,400 से लेके 112,400 और एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी
NIEL, IIT, TPLC, higher certificate, postgraduate degree in library science from a recognized university with 60% mark, 2 years in in a library, a report for NIEL. इसके बाद ये JNK के लिए 1 unreserved और नॉट एक्सेंट 30 ईयर से ज़्यादा नहीं है, रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद आ जाएगा 12 नंबर में आ जाएगा, 12 नंबर में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंसी, ये 24 देखिए इसमें ज़्यादा पोस्ट है, अनरिजर्व 16, ओबीसी 3, एससी 2, ईडब्ल्यूएस 3, आज अच्छा ईडब्ल्यूएस 3 रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी, हाँ रीजनल रिजर्वेशन HS01। अच्छा ये 7 CPC लेवल 6, 35,400 से लेकर 1,12,400 और लास्ट तक। अच्छा इसमें क्या है, ए रेगुलर BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। और ये बी में देगा ये MSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सब चीज़ आप लोग और वगैरह आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना क्लास के मुताबिक। इसमें क्या है, लखनऊ में 1, इम्फॉल में 1 अनरिजर्व, कोलकाता में 1 अनरिजर्व, 1 SC, JNK में 1 अनरिजर्व, 1 EWS, कालीकट 1 OBC एंड 1 अनरिजर्व, गोरखपुर 1 अनरिजर्व, 1 EWS, 1 OBC, औरंगाबाद में 3 अनरिजर्व, अच्छा अगरतला में 3 अनरिजर्व, दिल्ली में 2 अनरिजर्व, रोपर के लिए 2 अनरिजर्व, 1 RBC, 1 AC। इसका देखिएगा एज 30 ईयर्स, रिटेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके बाद आप लोगों को 11 नंबर सीरियल साइंटिस्ट सी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का टोटल दो सीट है। ये पे बैंड रहेगा 7 CPC लेवल 11, 67,700 और 2,08,700। इसमें देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन रेगुलर BTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन MSc, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स विथ फर्स्ट क्लास फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर इक्विवेलेंट। और जो दिए गए आप लोग और जो भाई लोग जिस सब्जेक्ट में लिए वो आप अपना अपना सब्जेक्ट को ही देखते रहिएगा। एज में चेन्नई में 1 अनरिजर्व सीट है, शिलोंग में 1 अनरिजर्व, अप टू 35 ईयर्स। अच्छा इंटरव्यू फीस में, अच्छा देखिएगा इंटरव्यू होगा अगर एक कैंडिडेट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके। उसके बाद अब साइंटिस्ट डी कैटेगरी के लिए टोटल 3 सीट है। इसमें 7 CPC के टेबल 12 के 8,800 रुपया और 2,09,200 रुपया तक है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन रेगुलर BTech इन कंप्यूटर साइंस, ये जो सिमिलर टाइप का कैटेगरी है। ये अपना अपना सब्जेक्ट के मुताबिक देखिएगा, ज़्यादा बोलने से वीडियो का लेंथ ही बढ़ जाएगा। इम्फॉल में 1 अनरिजर्व, कालीकट के 1 अनरिजर्व, चेन्नई में 1 और अप टू 40 ईयर्स तक है। और इंटरव्यू भी वो भी अपना स्ट्रेंथ के मुताबिक, जैसे जो जितना कैंडिडेट बढ़ेगा वो उसकी आधार पे होगा। जूनियर असिस्टेंट 9 नंबर में टोटल 5 सीट है, अनरिजर्व 2, OBC 3, ST 1 ऐसे। उसके बाद ये इसका दिया जा रहा है 7 CPC के लेवल 2, 19,900 से लेकर 63,200। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विथ ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 पर वर्ड पर इन इंग्लिश और 25 पर वर्ड मिनट इन हिंदी इन द विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफरेबली NIEL, IIT, CCC और हायर
सर्टिफिकेट इसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, डिजर्वल NIELIT वो लेवल सर्टिफिकेट कोर्स। अच्छा, हेड क्वार्टर्स देखिएगा, हेड क्वार्टर्स में दिल्ली में कोलकाता 1, चेन्नई में 1, रोपर में 1, शिलोंग में 1। एज रहेगा आप 27। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टू बी फॉरवर्डेड बाय द स्किल टेस्ट इन टाइपिंग, यार स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग, ये है कैटेगरी। उसके बाद स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में टोटल 7 सीट है, ये भी बढ़िया ये है। ये 7 CPC लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100 इसेंशियल कोर्स। इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ शॉर्ट हैंड स्पीड 100 ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफरेबली आर NIELIT CCC और हायर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। डिजरेबल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन सिमिलर S&T ऑर्गेनाइजेशन। NIELIT वो लेवल सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। इसमें ये अभी वैकेंसीज हैं, ये गोरखपुर में 1, अजमेर में 1, औरंगाबाद में 2, अगरतला में 2 और रोपर में 1। 27 ईयर्स, रिटेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ये होगा। अच्छा, इसमें आ जाइए 7 नंबर, ये असिस्टेंट के लिए बढ़िया पोस्ट है। इसमें टोटल 5 सीट है, 7 CPC लेवल 4, 25,500 से लेकर 81,100 रहेगा। अच्छा, एसेंशियल कॉलेज है, ये फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रेफरेबली NIELIT CCC और हायर सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड का। और डिजर्वल NIELIT वो लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। एक वैकेंसीज है, गोरखपुर में 1, औरंगाबाद में 1, हेडक्वार्टर दिल्ली में 1, EWS 1, रोपड़ में 1। ये एज रहेगा 27 तक, रिटेन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी आ जाएगा 6 नंबर में, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट। ये सीनियर अकाउंटेंट है, ये टोटल 2 है, 7 CPC लेवल का 6 पे 35,400 से 1,12,400 रुपये पे स्केल में आएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क विथ डिप्लोमा इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क और जो दिया गया ये MBA फाइनेंस विथ 60% मार्क और एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कमर्शियल फाइनेंस एंड अकाउंट्स प्रेफरेबल इन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस बॉडी PSU इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश रिपोर्ट एंड शुड ऑल्सो हैव वर्किंग एंड नॉलेज फॉर कंप्यूटर प्रेफरेबली NIELIT CCC और हायर एक्सपीरियंस 2 ईयर फॉर ए 2 ईयर्स फॉर ए नील फॉर बी और एन सी नील फॉर बी एंड सी के लिए ये जो कैटेगरी। उसके बाद देखिएगा ये इम्फॉल में 1, OBC JNK में 1 अंडर अप टू 30 ईयर्स रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ये है। उसके बाद आ जाएगा जितना ऊपर में जाएगा थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चलते रहेगा। देखिएगा 5 नंबर सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर एडम टोटल 3 है, 7 CPC लेवल 10 है, 56,100 से लेके 177,500 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल एंड HR मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन विथ 60% मार्क्स एंड PG डिप्लोमा पर्सनल HR मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन लेवल लॉ और जो दिया गया ये जैसे MBA
पर्सनल एचआर मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विथ 60% मार्क एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द एरिया ऑफ पर्सनल एंड एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ हुई ए मिनिमम ऑफ 2 years शुड बी ए सुपरवाइजरी पोजिशन इक्विवेलेंट टू द सीनियर ऑफिसर एडमिन ऑफिसर शुड पोसेस वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर एक्सपीरियंस 7th years एवरी ईयर एक्सपीरियंस फॉर ए आर 5 years फॉर बी 2 years फॉर सी। देखिए ए बी सी जो कैटेगरी दिया गया उसी हिसाब से वो ये बता रहा है। उसके बाद ये कलकत्ता में 1 अंडेजा हेडक्वार्टर दिल्ली में 1 रोपर में 1 EWS अप टू 40 years में इंटरव्यू जगह होगा अगर इसका कैंडिडेट के ऊपर मुताबिक जिसना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अभी देखिए चार नामों में असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस ये एक है पे लेवल दिया जाएगा 7 CPC लेवल 10 56,100 से 1,77,500 इसेंशियल कॉन्फिगरेशन डिग्री फॉर्म ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ CA ICWA विथ मिनिमम 60% मार्क इन बोथ डिग्री एज वेल एज CA ICWA और जो जगह पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स MBA फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजरी पोजिशन इन द एरिया ऑफ द कमर्शियल फाइनेंस एंड अकाउंट प्रेफरेबल इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस बॉडी PSU इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपूट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंस 2 years फॉर। देखिएगा ये 2 years फॉर ए जो ए और बी को तो कैटेगरी है 2 years फॉर ए और 5 years फॉर बी। अच्छा ये चेन्नई में एक इसका वैकेंसी चेन्नई में अप टू 40 years इंटरव्यू अगर होगा जगह अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएगा तो इंटरव्यू वगैरह देना पड़ेगा। सीनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए एक है ये पे मैट्रिक्स 11 है 67,700 2,08,700 रुपया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये कंसर्न अकाउंट चार्टर अकाउंट ICWA MBA फाइनेंस CS SS और ग्रेजुएट इन कॉमर्स विथ 6 year एक्सपीरियंस इन ए रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द एरिया ऑफ द फाइनेंस। और ये रहेगा हेडक्वार्टर इन 1 अंडरजब ये दिल्ली में रहना पड़ेगा और नॉट एक्साइड 50 ईयर से ज़्यादा नहीं है। इंटरव्यू होगा जब कैंडिडेट अगर मैक्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसको इंटरव्यू में देना पड़ेगा। 2 नंबर ये जितना देखिएगा सीरियल जितना आगे बढ़ते जा रहा है नज़दीक आ जाए 1-2 के पास इसका एक्सपीरियंस वाला ज़्यादा होना इसका पेमेंट भी ज़्यादा दिया जाता है और इसको उसके एक्सपीरियंस होल्डर इसको मांगते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम फाइनेंस ऑफिसर के लिए 2 है ये पे लेवल 7th PC लेवल 11 67,700 2,08,700 रुपया। एज में चाहिए इसेंशियल कम चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस ही और शी शुड हैव 8 years एक्सपीरियंस इन द रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन द फील्ड ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ही और शी शुड बी फेमिलियर विथ गवर्नमेंट फंक्शन एक्सपोजर टू वर्किंग ऑफ सोसाइटीज ETC। एक इसका वैकेंसी है कोलकाता 1 अनरिजर्व औरंगाबाद में 1 अनरिजर्व कैटेगरी में नॉट एक्सीड 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू होगा अगर कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो कैंडिडेट के स्ट्रेंथ के बताए। अभी लास्ट और दिस इज द फर्स्ट ये देखिएगा फाइनेंस ये फाइनेंशियल कंट्रोलर के लिए 1 पोस्ट है ये पेमेंट दिया जाएगा 12,78,800
2,09,200 रुपया। ये इसेंशियल क्या है, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विथ सी ए आई सी डब्ल्यू ए सी एस एम बी ए फाइनेंस एस एस जे एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सी एन ए जी एन सी जी ए और एक्सपीरियंस देखेगा 12 ईयर देखेगा। ये जो एक नंबर सीटल का फाइनेंस कंट्रोलर के लिए 12 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सी ए आई सी डब्ल्यू ए सी एस एम बी ए इज फाइनेंस क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एस एस आई जे ओ जे ओ क्वालिफाइड एंड कन्वर्सन विथ कमर्शियल अकाउंट्स आज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स बजेटरी कंट्रोल मैटर्स इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री ऑफ रिपोर्टिंग आउट ऑफ हुई 7 ईयर्स इन सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशन एट लीस्ट 3 ईयर्स इन द इमीडिएट लोअर स्केल ऑफ 10,000 से 15,200 और इक्विवेलेंट। ये सब चीज़ होना चाहिए। ये रोपर वन अनरिजर्व नॉट एक्साइड 50 ईयर्स इंटरव्यू होगा, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो इंटरव्यू। ये था है आप लोगों को जो नेम ऑफ पोस्ट की डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, स्केल वगैरह बताया, इसेंशियल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एन आई एल आई टी सेंटर और वैकेंसी एग्जिस्ट जो जहाँ पे ये वैकेंसी है मैं आप लोगों से डिस्कस किया, और जो एज वगैरह ये सिलेक्शन प्रोसेस। अभी आप लोगों के साथ मेन चीज़ ये वैकेंसी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मीन्स इसमें देखिएगा ओपनिंग डेट, ये ओपनिंग डेट ऑफ द पोर्टल फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन 20/6/2022 देखिएगा। अब मैं 20 तारीख शाम को ये वीडियो बना रहा हूँ 11:30 AM जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग है 19/7/2022 देखिएगा। जुलाई में से 19 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक ये पोर्टल खुला रहेगा। अच्छा, बाकी वैकेंसी टू बी फिल अप टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIL IT इज ए ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीट UI। अच्छा, तो ये देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंगेज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स ESDM ई गवर्नेंस साइबर सिक्योरिटी ETC। इट इज़ द एंगेज द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन द अबव एरियाज बिसाइड द प्रोजेक्ट एक्सक्यूशन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल एग्जामिनेशन बॉडीज व्हिच एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन और कंडक्टिंग कोर्स इन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो इसी के आधार पे बाकी जो देखें NIL IT इज शोइंग एट ए फास्ट पेस एंड एट प्रेजेंट एज सेंटर एक्सटेंशन सेंटर एट 47 लोकेशन इन औरंगाबाद। ये जो 47 लोकेशन मेंशन किया गया तो इसी के आधार पे NIL IT इज लुकिंग फॉर ए क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एंड डायनामिक पर्सनल वेल वेरीफाइड भार्स विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज रिक्वायर एरियाज ऑफ वेरियस वैकेंट पोजिशन पोस्ट लाइकली टू बी वैकेंट इन
in its headquarters and different center spread all over the country. The vacancies may increase or decrease. Online applications are invited from the eligible and qualified person for the post of ये सब ये जो आप लोगों को जो पोजीशन के लिए आप लोगों को डिस्कस किया था ये अभी अभी. और एक चीज़ एक मेन चीज़ है इसमें कुछ बाकी ये जो नौ पेज का नोटिफिकेशन है नौ पेज का नोटिफिकेशन आप लोग आराम से कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग अपने तरफ से हर लाइन हर वर्ड को आप लोग को पढ़ना चाहिए. हम लोग कम से कम टाइम है जो मेन चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस है. अभी आप लोगों से देखेगा जो पे ग्रेड पे ग्रेड पे 54,500 लेवल 10 एंड अबव जो रहेगा उनके लिए क्या है एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ये देखिए ये द कैंडिडेट्स आर विल बी रिक्वायर्ड टू रेमिट द एप्लीकेशन फी. एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा एट द रेट्स ऑफ इंडिकेट इन द टेबल बिलो थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट मोड इन भाया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली. तो ये देखिएगा जिसका गेट पे 54,000 से लेवल 10 एंड अबव उसके लिए 400 रुपया और जिसका रुपीज ग्रेड पे 4,600 लेवल एंड बिलो उनके लिए 300 रुपया पर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी वुमेन के लिए और जनरल के लिए 800 रुपया गेट पे 54,000 एंड अबव और 46,000 एंड उच्च नीचे के लिए 600. ये आप लोगों को ध्यान में रखेंगे क्यों ना ये रिफंडेबल नहीं होता है तो इसी को आप लोगों को मेन ध्यान में रखिएगा. उसके बाद ये अपना परमानेंट पोस्ट है सभी को अप्लाई करना चाहिए ये नहीं था. अब बाकी ये देखिएगा ये वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो गया लेकिन ये पूरा डिटेल में आप लोगों को साथ डिस्कस किया हूँ और ये तीन पार्ट में एक है देखिएगा तीन पार्ट में दिया गया. देखिए कि इसको शॉर्ट नोट में भी दिया गया आप लोग समझ नहीं पाओगे बोल के मैं बड़ा वाला ये शॉर्ट में दिया गया ये भी आप लोग देख सकते हैं. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया हूँ तो ये तीन चार पार्ट में किया गया है अलग अलग जगह में लेकिन कन्फ्यूजन में मत होइएगा. और ऑल इंडिया ओवर में कोई हर जगह में इसका सेंटर मिलेगा लेकिन आप लोगों को सेंटर तो एक सेंटर के लिए जो अलग अलग एरिया दिया गया वो तो है लेकिन इसको इंटरव्यू के लिए आप लोगों को फाइनल जो इंटरव्यू है इनके लिए दिल्ली में आना पड़ेगा. ये आप लोगों को ध्यान में रखिएगा. देखिएगा इसका ये और नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा. ये रिक्रूटमेंट नोटिस IRO वैकेंसीज इन इज टू बी फिल अप टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस NIELIT इसमें ये 19 तारीख का जो निकला है. देखिएगा विंडो एडवर्टाइजमेंट जो आप लोगों के साथ लास्ट में जो अप्लाई ये किया और डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मैं उसी की डिटेल एडमिट और अप्लाई ऑनलाइन ये इसी अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक करके इसी के द्वारा आप लोगों को अप्लाई करना है. अगर कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट करिएगा उसी हिसाब से आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा. उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल हो और ये परमानेंट जॉब है आप लोग सभी को पक्का पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा कोई भाई को ऐसे टाइप के इन्फॉर्मेशन के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. ओके जय हिंद भारत माता की जय. और चलते चलते एक प्यारा सा लाइक कमेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके इनकरेज करते रहेंगे.